बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी नल जल योजना में 19 लाख रुपए की राशि की निकासी कर ली गई, लेकिन कार्य पूरा नहीं किया गया। इस कारण से राशि के गबन के आरोप में पूर्व वार्ड सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल तेगड़ा प्रखंड के चिल्हाय पंचायत के वार्ड नंबर 1 में वार्ड सदस्य विनीता देवी पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मार्च 2021 में 19,30,000 राशि निकासी के बावजूद नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के बाद तेगड़ा थाना पुलिस ने पूर्व वार्ड सदस्य विनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया। चिलाय पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य वार्ड क्रमांक 1 के थे, इनके किस समय में नल जल का कार्य हुआ था। नल जल की जब स्थलीय जांच की गई थी तो वहां बोरिंग और थोड़ा बहुत कार्य हुआ था, उसके अलावा कोई कार्य नहीं था। जबकि राशि 18 लाख से ऊपर की निकासी वार्ड सदस्य के द्वारा की गई, उनको कई बार इस संबंध में नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य जब पूर्ण नहीं हुआ तो अंत में जो है तो उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। ये प्राथमिकी गत वर्ष ही दर्ज की गई थी, लेकिन आज सुनने में आया क्या जबकि गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि काम नहीं हुआ, MB भी उतने की नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से यह सरकारी राशि जो है तो उससे ज़्यादा की जो है तो निकासी हुई है, सरकारी राशि का दुरुपयोग है। इसके आधार पर उन पर FIR हुआ था और सरकारी राशि के दुरुपयोग गबन के आधार पर ही प्राथमिकी दर्ज की गई। अभी जो है तो वही वार्ड सदस्य जो है वार्ड सदस्य के नाम पर FIR दर्ज की गई।